एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है इस पर्टिकुलर स्कीम को? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और नोडल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है इसकी? नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में है ये स्कीम? क्योंकि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो कि हमारे पंचायती राज के भी मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने रिलीज किया है रूरल कनेक्टिविटी GIS डेटा इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है अपने अंदर GIS डेटा लगभग 800,000 से भी ज़्यादा रूरल फैसिलिटीज के लिए, 1 मिलियन से ज़्यादा हैबिटेशंस के लिए और लगभग 25,00,000 रूरल रोड्स, जिनको कि डिज़ाइन किया जाएगा यूजिंग द GIS प्लेटफॉर्म डिजिटाइज्ड वे में। ठीक है, देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में अप्रूव किया है कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा टिल 2025 to 2026। तो हाल ही में हम एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स देख रहे हैं जिनको कि कंटिन्यू करने के लिए अप्रूव कर दिया गया है, उनमें से ये एक है। ठीक है, हालांकि जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इनकम सीलिंग की लिमिट है वो 1.5 लाख से बढ़ा करके 3.5 लाख रुपीज पर एनम कर दी गई है। क्या पर्पस होता है इस पर्टिकुलर स्कीम का? जो भी बच्चे हैं जो किसी वजह से क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट करने लगते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी और उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी ले सकें। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को। तो हाल ही में हमारे मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक डैशबोर्ड, ताकि इस स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस को इजी करने के लिए इस डैशबोर्ड का क्रिएशन किया गया है। ठीक है, देखिए जब भी कोई स्कीम न्यूज़ में आती है तो सबसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये होता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कौन से स्कीम के अंतर्गत आती है? आंसर है रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड की स्कीम को जारी किया था 2015 में 19 फरवरी को। ठीक है, कहाँ से? एट सूरत गढ़ राजस्थान। तो हाल ही में इस स्कीम ने अपने 7 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब तक 23 करोड़ से भी ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फार्मर्स को, और इस पर्टिकुलर हेल्थ कार्ड की हेल्प से जो फार्मर्स हैं उनको सॉइल के न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ उनको रिकमेंड किया जाता है कि क्या एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट की डोज होनी चाहिए जो उनको अपने फील्ड में डालनी है। ठीक है, तो बहुत सारी हेल्प मिलती है फार्मर्स को। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड कौन से साल में लॉन्च हुई थी? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेस ऑल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज PPI इन इंडिया। तो कौन ऑथराइज करता है सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्री के अंदर? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कौन से एक्ट के तहत करती है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि RBI ने हाल ही में वार्न किया है पब्लिक को अगेंस्ट कार पूलिंग एप्लीकेशन S-Ride। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्म है ये ऑपरेट कर रही थी सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बिना RBI के अप्रूवल के। ओके, तो इसीलिए न्यूज़ में था ये। देखिए इसके अलावा अंगाड़िया सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ये एक तरह का पुराना पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है हमारी इंडिया में, जहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको भेजा जाता है कैश के साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है अंगड़िया। यूजुअली इसको ज्वेलरी बिजनेस में प्रमोट किया जाता है, स्पेशली मुंबई सूरत रूट पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड का ट्रेड होता है। तो क्यों ये टर्म यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में एक अंगड़िया शॉप थी मुंबई में जिसको कि
लूट लिया गया था बाय द गैंग ऑफ रॉबर्स। तो बस इसीलिए छोटी सी न्यूज़ थी। याद रखिएगा अंगड़िया सिस्टम किस सेक्टर से रिलेटेड है, आंसर है बैंकिंग सिस्टम। इसके अलावा कौन सी फर्स्ट बैंक है जिसने कि लाउंज को ओपन करने का फैसला लिया है मेटावर्स में, आंसर है JPMorgan Chase। ये एक्चुअली एक बिगेस्ट बैंक है USA की और ये अपना लाउंज ओपन कर रही है मेटावर्स में, ठीक है। इसको हम वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मास्टर कार्ड SBI के साथ में मिलके पार्टनर बनाएगा लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी को डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर कैंपेन के तहत जिसका नाम है टीम कैशलेस इंडिया, ओके। इसके अलावा कुछ बैंक के नाम्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब ये सब्सक्राइब कर रही हैं टू द शेयर्स ऑफ इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो होल्ड करेंगी मैक्सिमम 49% इसमें। वही जो अदर प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स हैं उनका स्टेक कितना होगा, रेस्ट ऑफ द शेयर जो बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन मैथमेटिशियन वॉज कन्फर्ड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स 2021। सो प्रोफेसर नीना गुप्ता जो कि मैथमेटिशियन हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता के, इनको हाल ही में कन्फर किया गया है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके डेडिकेटेड वर्क के लिए इन द फील्ड ऑफ एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अल्जेब्रा, ठीक है। तो ये जो प्राइज़ है ये हर साल दिया जाता है किसी एक रिसर्चर को डेवलपिंग कंट्री में से, और फंड कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ठीक है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको हाल ही में अवार्ड दिया गया है एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। और कोल इंडिया ने इस ऑनर को रिसीव किया एट द एनर्जी मीट एंड एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम ने, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स को हाल ही में कन्फर किया गया है विद हिलाले पाकिस्तान। याद रखिएगा ये सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है पाकिस्तान का, ओके। तो इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, इनके लगातार एफर्ट के लिए कि पाकिस्तान से ये पावर्टी और पोलियो को इरेडिकेट कर पाए। इसके अलावा हमने देखा था कि MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक कौन है, मिस्टर संदीप बख्शी, इनको हाल ही में अवार्ड दिया गया है एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से 21 के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रेलटेल ने हाल ही में बैक किया है ICAI का अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2020 से 21 के लिए, किस कैटेगरी में, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की कैटेगरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो हाल ही में 25वीं मीटिंग कंडक्ट की गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को, और चेयरपर्सनशिप किसने की, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो इस काउंसिल में बहुत सारे मेजर्स डिस्कस किए गए, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या क्राइटेरिया और होना चाहिए और किस तरह से हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं विद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। और काउंसिल ने करेंसी मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया। देखिए पिछले दिनों हमने देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है G20 सेक्रेटरियाट के सेटिंग अप के लिए, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरियाट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन और अरेंजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि रिक्वायर हैं इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरियाट है कब तक फंक्शन करेगा, 2024 तक। याद रखिएगा इंडिया कब से कब तक G20 का होस्ट रहेगा, December 1, 2022 से लेके November 30, 2023 तक, ठीक है। और G20 की बात करें तो ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें कि टोटल 19 कंट्रीज होती हैं अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन, और करेंटली इटली, इंडिया और इंडोनेशिया ने फॉर्म किया है G20 ट्राई का कंट्रीज को, ठीक है।
इसके अलावा 6th अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट को हाल ही में कंडक्ट किया गया, कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ओके और एक G20 की फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग कंडक्ट की गई जकार्ता में हाल ही में, जिसको कि होस्ट किसने किया? इंडोनेशिया ने। और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया इसमें? हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और याद रखिएगा कि रशिया ने हाल ही में हुए 2022 के म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में अपना कोई भी डेलीगेशन सेंड नहीं किया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते हैं एक साथ और इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द किसान मोबाइल एप्लीकेशन अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट? सो IIT रुड़की ने ऑर्गेनाइज किया फार्मर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसका नाम था ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, और इसी के साथ इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जिसका नाम था किसान। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ICAR ये वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज प्रोवाइड करेंगे हर ट्यूसडे और फ्राइडे को, और जब भी कभी स्ट्रीम वेदर की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली फार्मर्स की हेल्प के लिए इसको क्रिएट किया गया है। देखिए, इसके अलावा SEBI ने कुछ दिनों पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, ट्रेडिंग होती है, या फिर KYC प्रोसेस डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एक्चुअली होता क्या है, आजकल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है मार्केट में, ऐसे में उनको पता नहीं होता है कि क्या प्रोसेस कैसे होता है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उनके साथ फ्रॉड होने के। ठीक है, तो इसी वजह से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है ताकि लोग इससे जानकारी हासिल करें और अपने आप को सेफ रख सकें। फाइन, अब सभी की बात करें तो हाल ही में इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो प्रोविज़न था कि अब चेयरमैन और MD एंड CEO के रोल को सेपरेट किया जाएगा, वो इन्होंने वॉलेंट्री कर दिया है। ठीक है, पहले ये मैंडेटरी था लेकिन अब इन्होंने वॉलेंट्री इसको कर दिया है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है करना, वॉलेंट्री मतलब आप करें चाहे ना करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है SEBI के? मिस्टर अजय त्यागी, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? मुंबई में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने देखा था कि पहली बार SEBI ने किसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को डिक्लेयर किया था नॉट फिट एंड प्रॉपर, पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, और कौन सी कंपनी थी ये? PEC लिमिटेड। ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और इसको नॉट फिट एंड प्रॉपर इसलिए डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसने ब्रोकर की तरह एक्ट किया था और इलीगल ट्रेड्स बहुत सारे कंडक्ट किए थे 2010 से 13 के बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? तो संजीव सन्याल को हाल ही में अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, और ये किसने अनाउंस किया है? चेयरमैन ऑफ बॉडी मिस्टर बिबेक देब्रॉय। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं KN राघवन, इनको हाल ही में इलेक्ट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप अगले 2 सालों तक के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज। ठीक है, मतलब जो भी कंट्रीज नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर में बहुत काम करती हैं उनका एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसमें ग्रुप मेंबर्स कौन है? श्रीलंका, सिंगापुर, रशिया, नाइजीरिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन और कोटे डी आइवर। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नॉमिनेट किया है मिस्टर संजय मल्होत्रा को एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। ठीक है, और ये ऑर्डर कब से इफेक्टिव है? February 16, 2022 से। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा सेक्रेटरी हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि नए प्रेसिडेंट और CEO ऑफ होंडा कंपनी इंडिया लिमिटेड कौन बन गए हैं? तकुया सुमुरा। ठीक है, और ये जो ऑर्डर है कब से इफेक्टिव होगा? 1st of April 2022। इसके अलावा टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा,
इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास का। याद रखिएगा, ये पहली इंडिया की वुमेन हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है इन द टेबल टेनिस एट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2018। साथ ही ये पहली ऐसी प्लेयर हैं जो कि टॉप 10 ऑफ ITTF वर्ल्ड रैंकिंग्स इन वुमेन्स डबल्स में पहुंच गई थी। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि शाहरुख खान को हाल ही में किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का वेन्यू क्या है? आंसर है UK। ठीक है, तो 6 से लेके 27 ऑफ मार्च तक रहेगी और इसमें इंडिया से इंडिजिनसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पार्टिसिपेट करेगा। तो 5 तेजस एयरक्राफ्ट भेजे जाएंगे UK, और तेजस की बात करें तो ये इंडिजिनियसली डिजाइंड किया गया है बाय एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ DRDO, और मैन्युफैक्चर किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। देखिए, इसके अलावा इंडियन नेवी होस्ट करेगा लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन, कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और अराउंड 42 कंट्रीज से नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी 2022 के एडिशन में। सबसे पहले इसमें तो क्वाड कंट्रीज आ जाएंगी, रशिया, फ्रांस, म्यांमार, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिर रशिया, ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, USA पहली बार इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया और ओमान ने हाल ही में एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज 6 फ्रॉम 21st of February टू 25th of February, कहाँ पे? एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा हमारे होम अफेयर्स के मिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपना 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। एम क्या है? दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली डिजिटल टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया? तो सेंट्रल एक्साइज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 फरवरी को हर साल इंडिया के अंदर, और ये कमेमोरेट करता है सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट जो कि कब हुआ था? 24th of February इन 1944। तो सेंट्रल एक्साइज डे बेसिकली ऑनर करता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को, कि किस तरह से इनका योगदान है हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। अब इसके अलावा याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को, और इस साल की थीम क्या थी? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फिर वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही एक दिन और सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की। ठीक है, फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को, फिर इसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है 20 फरवरी को, और इस साल की थीम क्या थी? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, KPAC ललिता हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? सो ये एक वेटरन एक्टर थी इन द मलयालम सिनेमा, लेकिन हाल ही में इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 74 ईयर्स। ठीक है, तो एज अ आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू किया था जब ये 10 साल की थी महज, और KPAC क्या है? केरला पीपल्स आर्ट क्लब, आंसर हो जाएगा थिएटर आर्ट। इसके अलावा लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी की हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 69 ईयर्स। फिर बंगाली सिंगर हैं संध्या मुखर्जी, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है 90 ईयर्स पे। ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने रिफ्यूज़ किया था पद्मा अवार्ड्स को लेने से, जिसको कन्फर किया गया था इनको January 22 में। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी और सोशल वर्कर हैं इब्राहिम सुतार, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है कर्नाटका स्टेट में, और इनको फॉन्डली कहा जाता था कबीर ऑफ कन्नाडा। ठीक है, इनको पद्मश्री कब दिया गया था? 2018 में। और याद रखिएगा, लेजेंडरी सिंगर
लता मंगेशकर हाल ही में पास अवे हो चुकी हैं एट द एज ऑफ 92 ईयर्स, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड इनको दिया गया। सबसे पहले याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के इनको मिला था 1990 में, फिर पद्म भूषण दिया गया 1969 में, और फिर भारत रत्न से नवाजा गया 2001 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे भी तो बहुत सारे अवार्ड इनको मिलते ही रहते थे। आपको कमेंट्स में बताना है कि संध्या मुखर्जी के अलावा दो और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पद्मा अवार्ड्स लेने से मना कर दिया था इस साल के, ठीक है। इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया ग्लोबल हेड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को, कौन है, सत्य नडेला और सुंदर पिचई। फिर वैक्सीन मेकर है साइरस पूनावाला फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला फ्रॉम भारत बायोटेक, इन लोगों को भी पद्म भूषण दिया गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस साल कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स के लिए कन्फर किया गया? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हैज अप्रूव्ड अ रिवर क्लीनर प्रोजेक्ट इन विच इंडियन सिटी। तो हाल ही में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने अप्रूव किया है 1000 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट, किस लिए, पुणे की रिवर्स को साफ करने के लिए, ठीक है। कौन सी रिवर्स हैं ये, मुथा एंड मूला रिवर्स। एक्चुअली ये जो रिवर्स हैं ये हैवली पॉल्यूटेड हैं सिटी के सीवेज से, जिनको कि डंप कर दिया जाता है इस रिवर में बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो यही रीज़न है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एम करेगा कि इसका जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और जो सीवेज कलेक्शन सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर भी इन्हांसमेंट लाया जाए, ठीक है। तो आंसर है पुणे। इसके अलावा इंडिया का पहला भेल द्वारा बिल्ट कोल मेथनॉल पायलट प्लांट को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 0.25 टन्स पर डे, और ये मेथनॉल को प्रोड्यूस करेगा विद अ प्योरिटी ऑफ मोर देन 99% फ्रॉम हाई ऐश इंडियन कोल, ठीक है। फिर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना कैबिनेट ने हाल ही में एक प्रोग्राम अप्रूव किया है जिसका नाम है मना ओरू मना बडी, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 3 सालों के लिए। एस्टिमेटेड लागत कितनी होगी, 7289 करोड़ रुपीज़। क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स के अंदर उनको क्रिएट किया जाएगा, फाइन। क्या बता सकते हैं कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को इम्प्लीमेंट करने में कौन सा स्टेट टॉप पे था, मतलब किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट के अंदर में? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिखिए। अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह, कल एक्चुअली नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू जैद सन इज साइनिंग ऑफ।